अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अब्दुल इन्फो टीवी। जी दोस्तों, सैयद अबू अली मौजूदी रहमतुल्लाह से एक दफा किसी ने पूछा कि आपने कभी किसी वली अल्लाह को देखा है? अभी दो दिन पहले लाहौर स्टेशन पर देखा है। हमारी गाड़ी जैसे ही रुकी तो पुलिया ने दावा बोल दिया और हर किसी का सामान उठाने और उठा उठा कर भागने लगे। लेकिन मैंने एक कुली को देखा कि वो इतने नाम से नाद में मशगूल है। जब उसने सलाम फेरा तो मैंने उसे सामान उठाने को कहा। उसने सामान उठाया और मेरी मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया। मैंने उसे 1 रुपया किराया अदा कर दिया। उसने 4 आने अपने पास रखे और बाकी मुझे वापस कर दिए। मैंने उससे अर्ज की 1 रुपया पूरा रख लो, लेकिन उसने मुस्कराते हुए जवाब दिया, नहीं सर, मेरी मजदूरी 4 आने ही बनती है। जी दोस्तों, आप यकीन करेंगे हम सब वलीउल्लाह बनते हैं और अल्लाह के बंदे को ढूंढने में दर बदर वलीउल्लाह होते हैं। हम समझते हैं कि हमें मुश्किल तरीन रियासतों, मशक्कतों और मराकबों से गुजरना पड़ेगा। सारी रात हवाफी में गुजारनी पड़ेगी या शायद गले में तकलीफ डालकर नीले कुचाले कपड़े पहनकर अल्लाह खूब सदाएं लगाना पड़ेगी, तब हम वलीउल्लाह के दर्जे पर पहुंच जाएंगे। आप कमाल मुलाहिदा करें, हमारी आधी से ज़्यादा कौन इसको भी पहुँचा होगा समझती है, जो हम नॉर्मल हरकतें करता नजर आए, जो रुमाल में से कबूतर निकाल दे या आशिक को आपके कदमों में डाल दे। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए तो अपनी अमा को मानना पड़ता है, कुर्बानी इशारा अनफाक को अपनी साथ का हिस्सा बनाना पड़ता है। अशफाक साहब कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने अब्बा जी से पूछा कि इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में क्या फ़र्क है। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहने लगे, बेटा, किसी एक के आगे अपनी अना को मानना इश्क मजाजी है और सारी दुनिया के सामने अपनी अना को मार लेना इश्क हकीकी है। जुनेद बगदादी अपने वक्त के नामी ग्रामीण शाही तलवार थे। उनके मुकाबले में एक दफा इंतहाई कमजोर और लावर शख्स आ गया। मैदान तमाशियों से बड़ा हुआ था। बादशाह को अपने पूरे दरबारियों के साथ जुनेद बगदादी का मुकाबला देखने आ चुका था। मुकाबला शुरू होने से पहले वो कमजोर आदमी जुनेद बगदादी के करीब आया और कहा, देखो जुनेद, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है। मैंने इंतहाई गरीब और मजबूर है, अगर तुम हार गए तो बादशाह मुझे इमाम बकराम से नवाज देगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो अपनी बेटी की शादी का बंदोबस्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुकाबला हुआ और जुनेद बगदादी हार गए। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने दोबारा और फिर सैबार मुकाबला करवाया और तीनों दफा हार जुनेद बगदादी के हिस्से में आई। बादशाह ने सब गुस्से में हुक्म दिया, जुनेद को मैदान से बाहर जाने वाले दरवाजे पर बैठा दिया गया और तमाम तमाशाओं को हुक्म दिया गया कि जो जाएगा जुनेद पर थोकता हुआ जाएगा। जुनेद बगदादी की अना खाक में मिल गई, लेकिन उनकी वलायत का फैसला क़यामत तक के लिए आसमानों पर सुना दिया गया। वली तो वो होता है जो लोगों की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दे, तो किसी को जीने की उमंग दे दे, चेहरे पर खुशियाँ बखेर दे, जब कभी बहस का मौका है तो अपनी दलील और इज्जत रोक कर सामने वाले के दिल को टूटने से बचा ले। इससे बड़ा बाल भला कौन होगा? याद रखो, जो अल्लाह से शिकवा नहीं करता, जिसकी ज़िंदगी में इत्मीनान है, वही वली अल्लाह है। जिसके दिल की दुनिया में आज जन्नत है, वही आज जन्नती है। इसका दिल हर वक्त शिकवे शिकायतों, हसद, कीना, दुख, लालच और नाशुक्री की आग से सुलगता रहता है, वहाँ भी उसका ठिकाना यही है। फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, कबायर से इज्तनाब कीजिए, हाल पर खुश रहिए, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कीजिए और वक्त के वली बन जाइए।